तो भाई आजकल मुझे बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। भाई मैं कहाँ फंस गया? तो भाई यहाँ पे है हमारे पास एक बहुत बड़ी, अरे मतलब जितनी बड़ी बर्फ की सिल्ली आती है, पूरी की पूरी एक बर्फ की सिल्ली। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है, हम लोग इस बड़ी सी बर्फ की सिल्ली को पूरी तरीके से पिघलाने वाले हैं, पूरी तरीके से मेल्ट करने वाले हैं। इस वाले इस बर्तन को बोलते हैं कमेंट में बताना। तो कुल मिला के हम लोग इस बर्फ की सिल्ली को मेल्ट करके इसका पानी बनाने वाले हैं और इसमें भरने वाले हैं, और देखने वाले हैं कि मेल्ट होने के बाद जब इसका पानी तैयार हो जाएगा, बर्फ पूरा पानी बन जाएगी, तो पानी कितना साफ होता है। क्या पानी एकदम साफ होगा, एकदम स्वच्छ, या फिर वो पानी हमें गंदा मिलेगा? क्योंकि आपने कभी ध्यान दिया हो या ना दिया हो, मैंने दिया है कि जो बर्फ की सिल्ली होती हैं वो थोड़ी बहुत गंदी दिखती हैं। यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे गंदगी दिख रही है और अभी बहुत जगह गंदगी है। तो ऐसा करते हैं, इसे एक बार धो लेते हैं कि अगर गंदगी छूटने वाले छूट जाए, लेकिन अगर गंदगी नहीं छूटने वाली है तो नहीं छूटेगी। तो यहाँ पे इसे धो देते हैं ठीक से। ये लेकिन यहाँ पे अभी मुझे काफी गंदगी दिख रही है। ये देखो आपको दिख रही है कि नहीं पता नहीं, आई होप आपको दिख रही हो। कुछ बालू टाइप की गंदगी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये अंदर तक है, अभी भी गई नहीं है। लेकिन जो इसका ट्रांसपेरेंट वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपको भी दिख रही होगी थोड़ी बहुत। ये देखो यहाँ पे भी आपको थोड़ी गंदगी दिख रही होगी। तो भाई ऐसा एक्सपेरिमेंट क्यों? क्योंकि मुझे जानना है कि जिस पानी से बर्फ बनी है आखिर वो पानी कितना साफ होता है। क्योंकि भाई हम लोग आजकल क्या करते हैं, गर्मियों में जाके सिकंजी पीते हैं, सिकंजी में यूज होती है ऐसी ही बर्फ। बर्फ गोला पी खाते हैं बाहर, वो भी लोग यूज करते हैं कुछ ऐसी ही बर्फ। गन्ने के जूस की दुकानों में जाते हैं वहाँ पे पीते हैं गन्ने का जूस, जहाँ पे ठंडा करने के लिए यूज की जाती है कुछ ऐसी ही बर्फ। तो भाई ये ऐसी बर्फ आखिरकार कितने साफ पानी से बनी है वो हमें पता तो चलना चाहिए। कम से कम आपके इलाके की बर्फ का तो नहीं, लेकिन मैं अपने इलाके की बर्फ को तो दिखा सकता हूँ कि आखिरकार पानी कितना साफ होता है। और यही नहीं, आज के इस वीडियो में हम लोग कई सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं बर्फ की कटिंग। ये देखने के लिए कि हमारे पास जो ये चैनसॉ है जो कि हमने बनाया था जुगाड़ से, इसका वीडियो आपको मिलेगा हमारे दूसरे चैनल V4 वीडियोस पे। आप लोग आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, आप लोग खुद बना सकते हैं किसी भी एंगल गंडे को चैनसॉ। इसकी मदद से हम लोग बर्फ को काट सकते हैं या नहीं ये चेक करते हैं, क्योंकि वैसे भी बर्फ हमें इसके अंदर भरनी है और इतनी बड़ी जाएगी है नहीं, तो काटना तो पड़ेगा ही। तो इसे ऑन करते हैं। भाई पिछली बार कांड हो गया, इसकी चैन उतर गई, तो इसे सही से बांधें तो यही दिक्कत हो सकती है। और सेफ्टी ग्लव्स जरूर से पहने। अब काट के देखते हैं कटे गया नहीं। ओहो ये गिरने वाली है, गिरी क्यों नहीं? एकदम जबरदस्त कट। तो इस तरीके से हमने अपने इस चैनसॉ से बर्फ की सिल्ली को भी काट दिया और बहुत ही आसानी से कट भी गई। इसी तरीके से हम लोग काट काट के इस बर्तन में भर देंगे और मेल्ट करेंगे ठीक है। अलग से काट के निकाला है, ये तो कितना सुंदर सा, इसे मैं धुल लेता हूँ आराम से। और ये पीस मैं अलग से इस भगोने में रख दूंगा मेल्ट होने के लिए। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम बर्फ काट कूट के लगा दी है बर्तनों में और ये घना घन पिघल रही है। आप एक बार आवाज सुनो इसकी। ग्लास में मेरे घर का सादा पानी जो कितना ज़्यादा साफ है ना, और इसी पानी से जमाई गई है ये वाली बर्फ ठीक है, ट्रे में फ्रिज के अंदर जमाई गई इसी पानी का यूज़ करके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस बर्फ को निकाल लेता हूँ। अब इस बर्फ को मैं मेल्ट करता हूँ हीट गन से। तो फाइनली यहाँ पे सारी बर्फ मेल्ट हो गई है, और जो एक चीज़ मुझे दिखानी थी वो मुझे दिख गई है। यहाँ पे इसकी तलहटी पे यानी कि सतह पे कुछ वाइट वाइट जमा हो गया है, एकदम अजीब सा वाइट वाइट। अभी मैं इस पानी को एक ग्लास में ले लेता हूँ। तो भाई ये देखो,
ये पानी का गिलास और इस पानी के गिलास के पानी में कितना ज़्यादा अंतर है। ये वाला पानी क्योंकि हमने बर्फ से पिघलाया है वो कितना गंदा है, जबकि नॉर्मल पानी कितना साफ है। जबकि ये बर्फ जमाई गई है इसी पानी से, लेकिन फिर भी ये गंदी हो गई है और इसमें हल्का सा गुलाबीपन आ गया है, क्योंकि इसकी प्लास्टिक का कलर इतना बेकार है कि इसने बर्फ में भी हल्का कलर छोड़ दिया। तो देखा आप लोगों ने, जिस पानी से बर्फ बनी थी वो बर्फ पिघलने के बाद पानी गंदा हो गया। यहाँ पे मैंने एक व्हाइट ऑस्ट्रेली इसको भी मेल्ट करते हैं। तो ये व्हाइट क्ले वाला पानी, और भाई ये भी गंदा है, बाहर चल के दिखाता हूँ। देख लो व्हाइट क्ले का पानी भी कितना गंदा निकला है। तो देख लो बीच में सारा पानी, बाकी के बर्फ से पिघला हुआ पानी। तो ऐसा पानी गंदा क्यों हुआ, इस वीडियो में ये पता करने की कोशिश करेंगे और ये चीज हम लोग करेंगे अलग अलग लिक्विड के साथ। तो चलो कार्यक्रम शुरू करते हैं और कुछ नया देखते हैं। अरे भाई मैं परेशान हो गया इन हेडफोन से, कभी एक बजता कभी दूसरा नहीं बजता, अब तो बिल्कुल ही नहीं बज रहा, काम ही करना छोड़ दिया। सोचा नॉइस कैंसिलेशन वाला हेडफोन ले लूं, एक ब्लूटूथ वाला ईयरफोन ले लूं और एक ब्लूटूथ स्पीकर भी ले लूं। हाँ भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो गया भाई, वो तो अच्छा हुआ धनी स्टोर है जहाँ पे बहुत सारे सेल्स चल रही हैं, अब मैं सभी के सभी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, हेडफोन के साथ कुछ और प्रोडक्ट्स भी कार्ट में ऐड कर लेता हूँ जो कि 999 रुपये के अंदर हैं और सेल में काफ़ी ऑफर में बिक रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये जियोबॉनिक्स का ये ब्लैक वाला हेडफोन इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मैं माइक्रो एसडी कार्ड डायरेक्ट लगा सकता हूँ और गाने वगैरह सुन सकता हूँ। मैंने यहाँ पे एक ऐड किया पिरामिड वाला मोबाइल स्टैंड, बहुत काम आएगा। कैंडवा का परफ्यूम भाई, इसकी फ्रेगरेंस बहुत पसंद है। और फिगारो का ऑलिव ऑयल काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, खाने में भी और सर पे लगाने में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और एक जिम शेकर मेरे बहुत काम का है, जिम जाऊंगा तो भाई इसमें प्रोटीन ले जाऊंगा। और भाई ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिली हैं। भाई यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज में 70% तक का ऑफ मिल रहा है और बहुत सारे प्रोडक्ट तो सिर्फ 9 रुपये से स्टार्ट हैं। इनके पास कई कैटेगरीज में सामान उपलब्ध है, जैसे कि मैन फैशन, वुमेन फैशन, हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी, पर्सनल केयर और बहुत कुछ। और यहाँ पे बहुत सारी सेल्स चल रही हैं जिसको देखने लायक है, और काफ़ी काम की चीज़ें मिल रही हैं कम प्राइसेस में। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने खरीदी कार्ट में ऐड कर दी हैं, अब मैं इन्हें बाय कर लेता हूँ। और यहाँ कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो भाई इस तरीके से आप भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से धनी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे डिस्काउंटेड रेट में काफ़ी सारी चीज़ें पा सकते हैं। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जल्दी जाकर शॉपिंग करो। यहाँ पे पूरे पूरे 9 लिक्विड्स तैयार हैं, स्टिंग ड्यू, डिस्टिल वाटर, बॉयल वाटर, नॉर्मल वाटर, हैंड पम्प, आरओ, 7 अप और मिरिंडा। इनको हम लोग फ्रीजर में के फ्रीज करेंगे और वापस से ठंडा करेंगे, इनकी बर्फ को मेल्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई में वापस से गंदे होंगे या फिर नहीं होंगे। क्योंकि अभी तक तो हम लोग देखते आ रहे हैं भाई बर्फ मेल्ट कर तो गंदी हो जाती है, उसका पानी गंदा हो जाता है, इसका गंदा हो गया नहीं, चलो फ्रीज करते हैं। और लास्ट में माउंटेन ड्यू। The next morning. तो भाई जो हम बर्फ लाए थे फाइनली वो पूरी तरीके से पिघल चुकी है। और देखो भाई पानी कितना मिला है, ये वाली टंकी पूरी यहाँ तक फिल है, ये वाली टंकी पूरी की पूरी लगभग फिल ही है, ये वाला भगोना भी फिल है, काफ़ी ज़्यादा पानी है। अब मुझे लगता है पानी कुछ नहीं तो 100 लीटर के ऊपर ही रहा होगा। ओ भाई, और हाँ जो हमें चीज़ देखनी थी वो देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जिस पानी से बर्फ़ जमी थी आखिर उसका टीडीएस कितना है, यानी कि पानी की क्वालिटी कैसी है। तो ये रहा टीडीएस मीटर जो कि गया पानी के अंदर, तो पानी का टीडीएस आ रहा है करीब 170 भाई, जो कि इतना बुरा नहीं है। अगर 170 टीडीएस का पानी हो तो नॉर्मली यूँ ही पिया जा सकता है। चलिए जो हमने बर्फ़ पिघलाई थी इस पानी को टेस्ट करके देखते हैं, अभी मैं कलर भी दिखाऊंगा कैसा है। पानी सही लग रहा है, पानी में दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि भाई पानी साफ कितना है, इसमें से निकालते हैं ये लिया पानी, और ये पानी काफ़ी ज़्यादा साफ है। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था गंदा होगा क्योंकि बर्फ़ गंदी दिख रही थी, उसमें बालू दिख रही थी, हालांकि पानी में ना ही बालू दिख रहा ना ही पानी गंदा दिख रहा है, तो काफ़ी सही बात है। और अगर बालू मिट्टी होगी भी तो नीचे बैठ गई होगी, बाकी का पानी देखने में बिल्कुल नॉर्मल पानी जैसा दिख रहा है और साफ दिख रहा है। तो पानी तो भाई सही निकला। अब आगे बढ़ते हैं, हमें जो एक और चीज़ दिखानी थी जो बर्फ़ मेल्ट होने के बाद वाइट प्रेसिपिटेट निकलता है वो इसमें है या नहीं। भाई इसमें है ही नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा है, आपको इसमें दिख रहा होगा काफ़ी ज़्यादा नीचे जमा हुआ है। तो हमारा अगला प्लान ये है कि इस पानी को किनारे कहीं छान लेते हैं और जो भी वाइट इसके अंदर निकला है उसे अलग कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई वो कैसा है,
और क्या है, तो यहाँ पे हमने पूरी सिल्ली का पानी छान लिया है और जो मैं आपको वाइट प्रेसिपिटेट दिखा रहा था वो फाइनली आ चुका है इस वाले ग्लास में और ये कुछ आपको ऐसा दिख रहा है। तो 100 से 150 लीटर पानी में जो कि बर्फ से पिघला के निकला था उसके अंदर इतना सारा वही वाइट वाइट चीज़ निकला जिसके लिए हम लोग वीडियो में बर्फ पिघला रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक जमा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक को भी पिघलाएंगे आगे चल के, उसमें देखेंगे निकलेगा या नहीं। लेकिन भाई जो हमने बर्फ लिया था बड़ी सी सिल्ली उसमें तो निकल आया है, ये देखो वाइट वाइट और कितना ज़्यादा है। लेकिन आखिरकार ये वाइट वाइट है क्या? तो भाई ये है पानी में पड़े हुए मिनरल्स, वही मिनरल्स जो कि आपके इमर्सन रॉड में जमा हो जाते हैं पानी गर्म करने पर, जो कि मेरी पानी की टंकी में जमा हुआ है किनारे किनारे की, वहाँ पे इमर्सन रॉड जमी हुई थी। अगर आप पानी उबालेंगे तो भी आपको ये मिनरल्स मिल जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे पानी उबाल के देखिएगा आपको मिल जाएंगे। और सेम वैसा ही हुआ जब हम लोग बर्फ को जमाते हैं तो ये मिनरल्स जो है ना सेपरेट हो जाते हैं और जब पिघलती है तो वापस से नहीं घुल पाते हैं और हमें गिलास में दिखने लगते हैं। और ये पता कौन से मिनरल्स हैं? ये है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्योंकि सेफ हैं एकदम और यही हमें मिल गए हैं इसी बर्फ से। इन शॉर्ट ज़्यादा कुछ नहीं, ये कोई गंदगी वंदगी नहीं, पानी में डिजॉल्व मिनरल्स हैं जो कि पानी के बॉयल करने पर और पानी के ठंडा करने पर अलग हो जाते हैं पानी से। भाई मैक्सिमम ये मिनरल्स निकलते हैं हार्ड वाटर की बर्फ में, अगर आपकी बर्फ जमी हार्ड वाटर से उसको मेल्ट करेंगे निकल आएंगे। लेकिन अगर आप बर्फ जमाते हैं सॉफ्ट वाटर से या फिर बोलो आरओ के पानी से तो पॉसिबिलिटी है बर्फ़ पिघलने के बाद ऐसा मिनरल्स नहीं आएगा, आपका पानी भी साफ रहेगा। तो आई थिंक जो हमने आरओ के पानी को जमाया था उसमें ये नहीं निकलेगा और जो हमने कोल्ड ड्रिंक जमाया था उनके मेल्ट होने पर भी नहीं निकलेगा, लेकिन बाकी के पानी में निकल सकता है। तो चलिए वो चीज़ अभी जमी नहीं है पूरी जम जाने देते हैं और फिर उन्हें मेल्ट करेंगे और देखते हैं उनमें ये मिनरल्स निकलेगा या नहीं। A few moments later. तो भाई यहाँ पे मैंने एक जबरदस्त चीज़ नोटिस करी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो जमने के बाद गिलास छोड़ के बाहर भागने की कोशिश कर रही हैं। देखो जो मिरिंडा है ये देखो कैसी हो गई है, नीचे की मिरिंडा गायब है ना, और ऊपर जम गई है। और ड्यू ने तो भाई एकदम आफत ही मचा दी, नीचे से भाग के ऊपर चली गई और गिलास को क्रॉस करते हुए चली गई। और इसके बाद स्टिंग ने तो बवाल ही मचा दिया, पूरी की पूरी बाहर आ गई, काफ़ी तो फ्रिज में चली गई है, नीचे तो खाली सा हो गया है, पता नहीं कोल्ड ड्रिंक जमने के बाद ऊपर के भागती है शायद CO2 की वजह से। और सेवन अपने भी सेम चीज़ किया है और यहाँ पे जो आरओ वाटर था वो सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से जमा है क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स होते हैं कम और इसी वजह से आप लोग देख लो आरओ वाटर की बर्फ सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। मैं इसे निकाल के दिखाने की कोशिश करता हूँ और ये देखो ये आरओ वाटर की बर्फ कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है ना मस्त। बाकी कोई भी बर्फ इतनी अच्छी नहीं जमी है, चाहे वो बॉयल वाटर हो, देखो इसमें सिर्फ किनारे की साफ जमी है, चाहे वो डिस्टिल वाटर हो ये भी किनारे ही साफ जमी है और बाकी का नॉर्मल वाटर यहाँ पे है। तो अभी हम लोग ऐसा करते हैं कैमरास लगाते हैं और इनके मेल्ट होने का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं किस में वो वाइट वाला कैल्शियम और मैग्नीशियम हमें देखने को मिलेगा। तो फाइनली सारे लिक्विड्स मेल्ट हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही लगभग हुआ है। तो भाई ये तो आपको याद ही है कहाँ से निकाला इतना सारा कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट अपने एक बर्फ की सिल्ली से, लेकिन यहाँ पे जो आरओ का पानी था वो हमने फ्रीज किया मेल्ट किया और इसमें जरा सा भी प्रेसिपिटेट नहीं आया है क्योंकि आरओ का पानी इतना ज़्यादा फिल्टर कर दिया जाता है कि कोई मिनरल्स उसके अंदर होते नहीं हैं। जब मिनरल्स थे नहीं तो इसमें कुछ वापस से हमें मिले ही नहीं मेल्ट करने पर। लेकिन उसी की जगह ये नॉर्मल वाटर इसमें मिनरल्स आ चुके हैं, आपको साफ साफ दिख रहे हैं कि नॉर्मल वाटर में मिनरल्स आ चुके हैं, वो प्रेसिपिटेट आ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं ये कौन सा है, ये बॉयल वाटर, बॉयल करने पर तो ऑटोमेटिक ही मिनरल्स दिख जाते हैं, तो इसमें और भी मिनरल्स आपको दिख रहे होंगे। ये देखो अब हैंडपम्प का पानी, भाई मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे हैंडपम्प का पानी पीने लायक भी नहीं, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा ही आपको मिनरल्स दिख रहे होंगे, वही कैल्शियम कार्बोनेट। अब डिस्टिल्ड वाटर, भाई इसमें तो मिनरल्स की उम्मीद नहीं थी लेकिन पता नहीं कि डिस्टिल्ड वाटर में भी मिनरल्स मुझे दिख रहे हैं, ये पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं डिस्टिल्ड वाटर ये असली है नकली, पता नहीं क्या पैक करके दे दिया, कहीं सादा पानी तो पैक करके नहीं दे दिया इन लोगों ने। और सेवन अप, अब भाई कोल्ड ड्रिंक्स है
हैंडपंप के पानी से थोड़ी ना बना देंगे, इसमें जरा सा भी मिनरल्स आपको नहीं दिख रहा, एकदम प्योर है, एकदम ट्रांसपेरेंट है। उसी तरीके से ड्यू भी भाई एकदम साफ दिख रही है, कोई भी मिनरल्स नहीं जमा हुआ है। इसी तरीके से मिरिंडा में भी कोई मिनरल नहीं है, एकदम ट्रांसपेरेंट है एकदम। और सेम वैसा ही स्टिंग के साथ कोई भी मिनरल नीचे नहीं जमा हुआ है, क्योंकि भाई ये बनाई जाती है एकदम प्योरीफाइड वाटर से, जिसमें कोई भी मिनरल्स ना हो, तभी तो इनका आता है असली टेस्ट। तो भाई इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा मेल्ट हुई बर्फ के बाद निकले मिनरल्स का राज, और मैंने आपको दिखाया कि किस बर्फ में वो मिनरल निकलता है और किस बर्फ में नहीं निकलता है मेल्ट होने के बाद। तो भाई अगर आपको आज का एक्सपेरिमेंट पसंद आया भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके दबा देना। इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे दिख रही है, जल्दी 10K के भी करीब हैं, दोनों कंप्लीट करेंगे आज ही अगर आप लोग करवा देंगे तो। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, टाटा बाय बाय। तो आना ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना, आशिक रहना। तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज, तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज।